ड्रामा से नंद की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे। उमर ने गोहर को आकर बताया, आज मैं पापा के साथ घर गया तो वहाँ मैंने राबी मामी को देखा। मैंने पूछा, राबी मामी आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस पर पापा ने बताया, ये अब आपके राबी मामी नहीं बल्कि तुम इन्हें छोटी मामा कहो। उमर की बात पर तो गोहर ने शोर मचा दिया। मैं तो पहले ही उसके इरादे जानती थी, उसे बस मौका चाहिए था। उसने मेरे शोहर को बहका कर उससे शादी कर ली। हसन तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं उसको जाकर अपने घर से निकाल लूं। जबकि साकिब का गुस्से से बुरा हाल था। साकिब ने कमरे में जाकर दीवार पर लगी अपनी और राबी की पिक उतार कर जमीन पर फेंक दी कि इतने में शोर पर हसन कमरे में आया। भाई खुद को संभालिए, मैं जानता हूँ सबसे ज्यादा तकलीफ इस वक्त आपको हो रही है। हम तो राबी को बहुत मासूम समझते थे, लेकिन आपी की कही हुई हर बात साबित हो गई। आप परेशान ना हो, मैं आपी के साथ जहांगीर भाई के घर जा रहा हूँ। जबकि जहांगीर को उमर ने बताया, मामा बहुत गुस्से में आपकी तरफ आ रही है, उन्हें सब पता चल गया। जहांगीर ने राबी को बताया, गोहर को हमारी शादी का इलम हो गया, तुम्हें इंतहाई सब्र से काम लेना होगा क्योंकि वो आएगी तो एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, तुम्हें अपने बहु मजबूती से जिमाने होंगे। इस पर राबी, जहांगीर मुझे बस आपके साथ की जरूरत है, अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहां जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद गोहर हसन के साथ घर आ गई। गोहर आते ही गुस्से से बोली, राबी बाहर निकलो, कहां छुपी बैठी हो, तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी कि दुनिया देखेगी। इतने में जहांगीर और राबी कमरे से बाहर आए। राबी को जहांगीर के साथ देखकर गोहर का बस नहीं चल रहा था कि वो उसे अभी जान से मार दे। पहले मेरे भाई की जिंदगी में आकर तुमने तबाह की और अब मेरे घर में आ गई हो। जहांगीर तुम अभी इसी वक्त इसे तलाक दो, मैं इसे घर से निकाल कर जाऊंगी। इस पर जहांगीर बोला, गोहर अपनी जबान बंद करो, राबी मेरी बीवी है और मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। और तलाक किसे देनी है मैं ये बहुत जल्द तुम्हें बता दूंगा। मजीद तमाशा करने की जरूरत नहीं, हसन इसे ले जाओ यहाँ से क्योंकि अब इस घर में इसकी कोई जरूरत नहीं। हसन ने गोहर को साथ लिया और घर वापिस आ गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे, साकिब को राबी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। साकिब जहांगीर के घर गया, राबी से कहा, तुम इस हद तक गिर जाओगी कि अपने ऊपर लगे हर इल्जाम को तुमने सच कर दिया, मुझे तो शर्म आ रही है, निकलो अभी इसी वक्त मेरी बहन के घर से। जबकि इतने में जहांगीर आया। राबी का साकिब से हाथ छिड़वाकर बोला, मेरी बीवी को हाथ लगाने की तुमने हिम्मत कैसे की, अपनी बहन की इतनी फिक्र पहले करनी थी, कल सुबह आपके घर तलाक के कागजात आ जाएंगे। जहांगीर ने गोहर को तलाक दे दी। गोहर तलाकनामा देखकर गुस्से से पागल हो गई और दिल में सोच लिया, राबी मैं तुमको चैन से कहीं नहीं रहने दूंगी। फिर आए दिन गोहर अपना सारा गुस्सा फरवा पर निकालती। हसन ने फरवा को साथ लिया और अलग घर में शिफ्ट हो गया। गोहर के बहुत मना करने पर भी फरवा ने साकिब की शादी अपने दोस्त से करवा दी। फरवा की दोस्त उसकी तरह ही तेज थी, उसने आते ही गोहर को उसकी औकात दिखाना शुरू कर दी। साकिब की बीवी ने गोहर का वो हाल किया जो वो सबके साथ करती थी। हसन और साकिब की नजरों से गोहर बिल्कुल गिर गए क्योंकि इनके सामने गोहर का जूठा चेहरा आ गया। आखिरकार गोहर ये सब ना बर्दाश्त कर सकी और पागल हो गई, हर वक्त बेवजह बोलती और रोती चिल्लाती रहती। जहांगीर राबी को साथ लेकर किसी दूसरे शहर चला गया क्योंकि वो आराम से जिंदगी गुजारना चाहते थे। उमर भी उनके साथ चला गया। गोहर यहाँ पल पल मरती रहती। तो फ्रेंड्स, आपको गोहर का अंजाम कैसा लगा, अपनी राय में तो कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।